नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और झारखंड बिहार की तमाम अहम खबरों के साथ मैं सिमरन शुक्ला। अब खबरें विस्तार से। झारखंड प्रदेश शेड्यूल्ड कास्ट कमेटी के अध्यक्ष केदार पासवान ने आज मोराबादी में महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि बापू के सिद्धांतों को नजरअंदाज कर भाजपा की साम्राज्यवादी सरकार ने देश के एससी एसटी और गरीब परिवारों के हक और अधिकार को लूटकर पूंजीवादियों को सौंपने का काम किया है। इससे राज्य और देश की जनता त्रस्त है। मौके पर उन्होंने कहा कि आज के दिन हम शपथ लेते हैं कि साम्राज्यवादियों को उनकी सही जगह पर पहुंचाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि बापू के स्वराज के सपने को साकार करने की राह में बीजेपी बड़ी बाधा है। जनता ये जान चुकी है और आने वाले दिनों में बीजेपी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। गांधी जयंती आज है, आए प्रतिमा के सामने माला जन्मदिन की बधाई देते हैं और बापू के चरणों में हम लोग आज माला लेकर उनके चरणों में अर्पण किए और हम लोग आज भी शर्मिंदा हैं। बापू का कातिल जिंदा है, जो कांग्रेसी विचारधारा है जो बापू ने देश के लिए किया, तो आज भी हम लोग शर्मिंदा हैं और बापू के जन्मदिन पे हम लोग पूरे देशवासियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और ये शुभकामना हम लोगों का है। आज के युवा लगता है कि गांधी के रास्ते पर भटक रहे हैं, उनके विचारों को नहीं।